नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल का सहरी है। फाजिल का के गांव बनवाला नंदा में बाबा रामदेव जी का मासिक मेला आज आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। देख पा से बाबा रामदेव जी के मंदिर में लोग नतमस्तक हो रहे हैं। फाजिल का के गांव बनवाला हनुमंता का यह दृश्य है, जहां से आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। फाजिल का के गांव बनवाला हनुमंता में बाबा रामदेव मंदिर के प्रशासक एसडीएम सुभाष खटक के दिशा निर्देश पर रिसीवर रामचंद्र की देखरेख में यहां पर मेला किया गया। इसके साथ ही फरवरी माह की 4, 5 व 6 को लगने वाले विशाल मेला की तैयारी भी शुरू कर दी गई। इस तैयारी के लिए आज दुकानों की बोली करवाई गई। रिसीवर रामचंद्र के दिशा निर्देश पर यह बोली मेला प्रबंधक कमेटी द्वारा करवाई गई। इस मौके पर रिसीवर रामचंद्र के साथ संत जगदीश मुनि व मेला कमेटी के अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे। यहां पर दुकानदार बड़ी संख्या में दुकानें लेने के लिए पहुंचे। फरवरी माह की 4, 5 व 6 को एक विशाल मेला यहां पर आयोजित किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन द्वारा यह मेला लगाया जाएगा। इससे पहले मेले का प्रबंध प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाता था, अब इस बार प्रशासन के आदेश पर रिसीवर रामचंद्र के नेतृत्व में मेला प्रबंधक कमेटी, जो कि साझे रूप से प्रशासन द्वारा बनाई गई है, उसके द्वारा मेला यहां पर लगाया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज यहां पर दुकानों की बोली करवाई गई। देख पा से यहां पर जगह की मिनती करने के बाद बोली करवाई जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। मैं रिसीवर रामचंद्र, जो भी है उप पुनर्मिलित फाइल का दे अनुसार मैंने इतने बाबा रामदेव मंदिर कमेटी रिसीव नियुक्त किया गया, जो कि अब दुकाना ने बोली है। बोली देने दे कोई चाहवान व्यक्ति हुए मौके पर बाबा रामदेव मंदिर पहुंच के जेडी दुकान लेने दे चाहवान हो वो ले सकता है। सर, कि दुकाना इतने बनाई जा रही हैं, कि जगह जी है सारी दुकाना की मिनती कर रहे हैं। मिनती करने तो बाद नंबर ला के देंगे कि जगह कि दुकाना बनी हुई। अच्छा, कदों ये मेला लगाया जाएगा जी? सारा मेला कदों? मेला 4, 5, 6, 7 को है। किस तरह की व्यवस्था है की जाएगी? हर चीज़ की फैसिलिटी होगी हर पब्लिक वास्ते, जो भी बाबे सेवेदार होगा, हर किसी के लंगर पानी मेडिकल सहूलत को भी इतने सारी पूरी फैसिलिटी मिलेगी। रिसीवर साहब, एक जिमें तारा 145-46 लगी हुई है, कुछ लोगों के मंदिर के कार्य क्रम दे विच कोई हस्तक्षेप करने वास्ते प्रतिबंध भी लगाया गया है। मान लो कोई उत्पाद हुंदा जी, तो उस स्थिति दे विच प्रशासन दे की रुख होएगा जी? उस स्थिति दे उत्पाद वाली गल है, दो जिन्हें जिन्हें करके 145-146 धारा लगी है, उन्हें पार्टी के अलावा हर पिंड का हर बंदा है ना, तो बाबे दे है ना इसे वाला नियुक्त किया गया है, ताकि मंदिर बाबे का उच्चा मंदिर दे बारे बाबे की सेवा हो सके। मान लो जी, मेरा सवाल ये सी भी कान मान लो उत्पाद मचांदा तां की प्रशासन दा रुख रहेगा जी? प्रशासन की करेगा उस स्थिति दे विच? उत्पाद प्रशासन की कोई उत्पाद होंदे ने पहले पुलिस अमदादी हेल्प लई है, नाल पुलिस होगी, नाल उत्पाद होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। महाराज जी की कहोगे इस मुद्दे लैके? देखो, जो विवाद अगर पहली गल तो होना नहीं है, अगर होएगा तो SSP साहब ने सूचना दी हुई है, DSP साहब ने सूचना दी हुई है। उन्हों का कहना है भी कोई भी व्यक्ति अगर इतने उत्पाद करता है तो फोन रखने तो पहले पुलिस इतने पहुँचेगी, मतलब पूरे प्रबंध ने, और मेले के व्यवस्था वास्ते भी पूरे प्रबंध ने, किसी तरह की कोई कमी नहीं। SDM साहब का, DC साहब का सख्त आदेश है भी जिहड़ा भी व्यक्ति, ये नहीं भी जिहड़ा विरोधी धिरां दे विचों बंदा है, कोई भी बंदा इतने शरारतबाजी करेगा उन्हों उहदे नाल सख्ती होगी। मेले नूं लै के किस तरह दा कीता जा रहा है अज्ज? किस तरह नूं लै के अज्ज बोली हो रही है? जिहड़े दुकानदार इत्थे दुकानां लाउंदे ने आपदियां संगतां वास्ते, जो भी आपदे समान दियां दुकानां, उहनां दी अज्ज बोली शुरू हो गई है, और सारे दुकानदार अपनी अपनी दुकानां लै सकदे ने, जिन्हां ने भी लैनी है, जिहड़े रहि गए ने उह बाद दे विच एप्लीकेशन दे के भी लै सकदे ने, और सेवादारां नूं भी खुल्ला सद्दा है। किसी नूं कोई उस तरह धारा दा कोई मतलब नहीं है। देखो, शरारत तां किते भी होवे उहदे लई पुलिस प्रशासन हमेशा तैयार है, और साहब का SSP साहब का पूरा मतलब डायरेक्ट है
नंबर मेरे को रिसीवर साहब दिता है, DYSP साहब का जगदीश कुमार जी का भी नंबर मेरे को, उन्होंने भी सवेरे भी गल हुई है। वो कहते किसी भी समय कोई भी बंदा शरारतबाजी करता है फोन करन रखने तो पहले तुहाडे कोल असीं हाजिर होवांगे, किसी भी स्थिति नूं जो है इस तरह का किसी यात्री नूं श्रद्धालु नूं नुकसान या कोई भी क्षति नहीं होने दिती जाए जी। श्रद्धालुओं वास्ते किस किस तरह की व्यवस्था मेले के दौरान की जाएगी? मेले के दौरान श्रद्धालुओं वास्ते सब तो बैटर जी रहन की व्यवस्था है, क्योंकि जो दूरों श्रद्धालु आएंगे उन्होंने रहन की पूरी अरेजमेंट है, रजाइयां और सर्दी के लिए हीटर वगैरह का सारा प्रबंध असीं कीता जाएगा। दूसरा किसी भी यात्री नूं किसी तरह की कोई भी तकलीफ होंदी है उहदे लई मैडिकल SMO साहब नूं एप्लीकेशन देती देण जा रहे हां, तां कि इत्थे 2 या 4 डाक्टरां की ड्यूटी लगाई जाएगी। किसी भी यात्री नूं किसी समय दवाई की जरूरत है तो दवाई की सारी व्यवस्था होगी। फायर ब्रिगेड नूं भी कहा गया भी अचानक कोई किसी तरह की घटना होंदी है कोई किसी तरह की तो फायर ब्रिगेड भी तैयार रहे, उन्हां नूं भी मतलब एप्लीकेशन भेजी गई है। तो सारे जिहड़े श्रद्धालुओं वास्ते हर तरह की सुविधा का प्रबंध है। मतलब मेला जिहड़ा लगना है बाबा जी का, इहदा मकसद ही है कि आए यात्रियों की सेवा करना, उन्हां दा आशीर्वाद लेना और वो आपदा इत्थे पूरी श्रद्धा भावना नाल इत्थे पहुँचन आशीर्वाद लैन, क्योंकि सैकड़ा सालों तो देखते आ रहे हैं भी इत्थे धरती ते करोड़ां लोग आके बाबा जी तो मन्नता मंग चुके ने, आशीर्वाद लै चुके ने और साडे अखी देखण दे विच लखां लोगों का इत्थे भला होया है। और जिहड़े भी श्रद्धालु इत्थे आउंदे ने उन्हां दी मनोकामना बाबा जी पूरियां करन, साडी भी यही आस है और असीं उन्हां दी सेवा करके उन्हां दा आशीर्वाद लै सकीए संगतां दा, इह साडी कामना है। ये थे प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर व मेला प्रबंधक कमेटी के सदस्य जो हमें जानकारी दे रहे थे। फाजिलका के गांव बनवाला हनुमंता में 4, 5 व 6 फरवरी को विशाल मेला आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। मेला प्रबंधक कमेटी के साथ ये तैयारी की जा रही है। आज यहाँ पर मासिक मेला आयोजित हुआ, इसके साथ ही फरवरी माह में लगने वाले मेले के लिए दुकानों की बोली भी प्रशासन के रिसीवर रामचंद्र की देखरेख में मेला प्रबंधक कमेटी द्वारा करवाई गई। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या बात है जी, मैं पिंड बनवाला हनुमंता मंदिर बाबा रामदेव सेवा समिति कमेटी सारे नाले मुनि जी नाल है जी, रिसीवर साहब है जी। मेला पहला वाली तरह ही लग रहा है, मेले में लंगर पानी की व्यवस्था उस तरह ही है, लाइना भी लगा रहे हैं जी, तो मिस्त्री भी है, कम काज भी चल रहा है मंदिर का जी। प्रशासन वालों भी सानू पूरा सहयोग दिता जा रहा जी, तो पिंड वालों भी हो रहा जी, हरेक कास्ट के हरेक तरह के लोग, हरेक कास्ट के लोग भी अपने नाल साथ दे रहे जी, साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के काम कर रहे जी। तो बाकी बाबे की कृपा जी, बाबा रामदेव सारे ते भला करता है, हर साल लोग आते हैं, दूरों दूरों आते हैं, जलालाबाद मुक्तसर फिरोजपुर सर तो हरेक जगह तो आते हैं सर, तो साडा सारे प्रशासन भी यह मंग हैगी है भी साडा भी साथ दे, वैसे भी दे भी रहे, सारा प्रशासन साडा साथ दे रहा है। तो जय बाबे जी। जिस जिवें कमेटी नवी बनाई गई है, 33 मैंबरी मेला कमेटी बनाई है, इनू लैके तुहाडा की कहना है भी बहुत वधिया काम किया है, की किया जी? ये बहुत वधिया काम किया है जी, 33 मैंबरी कमेटी बनाई है सर, ये बहुत वधिया काम किया है। तो बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगा पिंड के भी बहुत आसे पासे के बहुत सेवादार आते हैं, उन्होंने भी उस तरह ही सेवा कर, उस तरह जिमें हर साल वो लंगर के आके लागले पिंड के जोड़े भी लोग है वो आके हर साल सेवा करते हैं, उस तरह ही वो लंगर में सेवा कर सकते हैं, लाइना भी सेवा कर सकते हैं।